रौनक अपनी दो बहनों प्रीति और आरती के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। रौनक झोपड़ी के सामने चने बेचकर गुजारा किया करता था। प्रीति, अब तू आरती का काम में हाथ बटाया कर। वो पूरे दिन गधे की तरह लगी रहती है और तू तो सोती रहती है जैसे कि तूने कितने घोड़े बेच दिए हो, और अब तुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो क्या हुआ भाई, आरती गधा ही सही, वैसे भी इसमें तो गधे जैसी ही अकल है, गधे की तरह काम करती है, तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं गधा ही सही, पर तू ये बता, तूने सपने में कितने घोड़े बेच दिए? अब तो इतने बिके होंगे कि पैसे की कोई कमी भी नहीं होगी। अच्छा अच्छा, तुम दोनों बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो और अंगीठी चलाओ, मुझे चने भूनकर बेचने हैं। समय अधिक होता जा रहा है और देखो कितना दिन चढ़ाया है, ग्राहक आते ही होंगे और तुम दोनों की लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। लो कर लो बात भैया, प्रीति ने अपने सारे घोड़े बेच दिए और तुम्हें अभी चने की ही पड़ी है। तीनों ठहाके लगा कर हंसते हैं और इसी तरह से तीनों भाई बहन अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तभी उनका पड़ोसी शिवा, जो उन तीनों से बहुत चिढ़ता था, अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है। गर्मा गर्म चने खाएंगे और पानी पीकर सो जाएंगे, और तो कुछ है ही नहीं इनके घर में। तो फिर आ गया शिवा मुझे परेशान करने के लिए, बार बार आकर मुझे क्यों परेशान करता है, क्यों धंधे के टाइम पर दिमाग खराब करता है? अच्छा, तो अब तू मुझे भी आंखें दिखाने लगा। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अपनी में रह ले, दो पैसे के चने बेचता है और मुझे आंखें दिखाता है। तुझे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी शिवा नहीं। कुछ खरीदना हो तो बात करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। मैं चने बेचकर अपना और अपनी दोनों बहनों का पेट पाल लेता हूँ, ना जाने तुझे क्या परेशानी होती है। चल मुझे मेरा काम करने दे। अब सबसे बड़ी परेशानी की वजह तो तुम ही हो रौनक। मेरे आलीशान घर के आगे तुमने एक झोपड़ी डाल रखी है जो मेरे घर की रौनक को खत्म कर रही है, और उसमें तुम ये दो पैसे का ठेला लगाकर बैठे हुए हो। तुम नहीं जानते ये हमारी अमीरी पर धब्बा है। तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? शिवा, मैं चने बेचकर दो पैसे कमा लेता हूँ, मुझे काम करने दे। मेरा छोटा सा ही काम है, तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, लेकिन मेरे पास ये टूटी फूटी झोपड़ी है, कम से कम मेरी हालत पर तरस तो खाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा, अपना काम धंधा यहीं पर जमा कर बैठेगा ना। रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। शिवा चने फेंक देता है और अंगीठी में लात मार देता है, जिसकी वजह से अंगीठी उसकी झोपड़ी में जाकर गिरती है और उसकी सारी चीजें आग की लपटों में घिर जाती हैं और झोपड़ी राख का ढेर हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, हम अनाथों के पास एक यही तो झोपड़ी थी, वो भी हमारे हाथों से चली गई। अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, चलो जंगल ही चलते हैं, क्या पता वहाँ पर कुछ फल मिल जाए। बहुत भूख लगी है, रात तो हमने इस आसमान के नीचे निकाल दी भूखे प्यासे, पर अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ भैया, चलो वहीं पर कुछ देखते हैं, यहाँ तो दुनिया हम तीनों को जीने नहीं देगी। तीनों जंगल की ओर सोचते हुए जा रहे होते हैं। जंगल में एक नदी बह रही थी जिसमें एक बंदर का बच्चा डूब रहा होता है, और नदी के किनारे पर बंदरिया चिल्ला रही होती है। भैया देखो, बंदर का बच्चा डूब रहा है, हमें उसको बचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। इसकी माँ देखो कितनी बुरी तरह चिल्ला रही है। रौनक भागकर पेड़ की लता को लाता है और उसे बंदर के बच्चे की तरफ फेंकता है, जिसे बंदर का बच्चा पकड़कर किनारे पर आ जाता है। बंदरिया उनका शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने बच्चे की जान बचाने में असहाय थी। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे रात में सोए नहीं और भूख से बेहाल हो। आपने सही पहचाना। वो रात की सारी घटना बंदरिया को बता देते हैं। तभी अचानक से तूफान आता है और उस तूफान की हवा से वे तीनों बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद रौनक की आंख खुलती है, वो खुद को एक झोपड़ी में पाता है। अरे ये झोपड़ी कहाँ से आ गई? हम तो उस बंदरिया से बात कर रहे थे, पर ना ही यहाँ पर वो बंदरिया है और ना ही मेरी दो बहनें। कहाँ गए सब? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। रौनक बाहर की तरफ भागता है
तो सामने से उसकी दोनों बहनें भी भागती हुई नजर आती हैं। तीनों एक जगह मिलते हैं तो तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भैया, ये तीन झोपड़ियाँ कहाँ से आ गई? जब हमारी आँख खुली तो हम इस झोपड़ी में थे, और ये झोपड़ी तो बहुत अजीब है। इस झोपड़ी में तरह तरह के व्यंजन हैं। मैंने जितना खाया व्यंजन उतने ही और बढ़ गए। पता नहीं ये कैसे हो गया आरती, पर तुमने इतने सुंदर कपड़े कैसे पहने? ये तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो मैंने देखा ही नहीं। इस झोपड़ी में कुछ है शायद, हमें झोपड़ी में चलकर देखना चाहिए। तीनों एक एक करके झोपड़ी में देखते हैं, तो एक झोपड़ी में सभी प्रकार के व्यंजन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। दूसरी झोपड़ी कपड़ों से भरी हुई होती है जो कभी गंदे नहीं होते, और तीसरी झोपड़ी में सोने के सिक्के बरस रहे होते हैं। अरे भैया, ये तीनों झोपड़ियाँ तो जादू ही लगती है। इस झोपड़ी में देखो कितना सोना बरस रहा है। ये देखो दूसरी झोपड़ी में कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, और ये तो कभी गंदे भी नहीं हो रहे। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तीनों झोपड़ियाँ जादू ही लगती है। परंतु हमें इन तीनों झोपड़ियों का उपयोग दूसरों की मदद करने में करना होगा। जो हमारे साथ बीता हमें किसी और के साथ नहीं होने देना चाहिए। हमें इन तीनों झोपड़ियों से सभी गरीबों की मदद करनी होगी। तीनों लोग उन तीनों झोपड़ियों की मदद से सभी गरीबों में कपड़े और खाना बांटते हैं, तथा सोने के सिक्कों से कई गरीबों के लिए स्कूल और धर्मशाला खुलवाते हैं, और सभी के लिए भंडारे करते हैं। ये बात जब शिवा को पता चलती है तो अच्छा, तो ये तीनों इस झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ तो सोने के सिक्कों की बारिश होती रहती है। चलो मैं इन सोने के सिक्कों को चुरा लेता हूँ, नहीं तो ये गरीब सारे सोने के सिक्कों को व्यर्थ ही गरीबों में बांट देंगे और इन्हें खत्म कर देंगे। इन्हें तो दौलत की कदर ही नहीं है। शिवा जैसे ही सोने के सिक्कों को लेने के लिए झोपड़ी में जाता है, तो सोने के सिक्के पत्थर बन जाते हैं और उसके सिर पर बरसने लग जाते हैं, जिससे वो चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे बचाओ, मैं तो सोने के सिक्के लेने आया था, यहाँ तो पत्थर बरस रहे हैं मेरे सिर पर। अरे बाप रे, बचाओ। शिवा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। परंतु रौनक अपनी दोनों बहनों की सहायता से पूरे गांव में जिनके पास मकान नहीं होता उन्हें पक्के मकान बना कर देता है, और जिनके पास कपड़े नहीं होते उनको कपड़े देता है। इसी तरह से वो अमीर हो जाते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं।